नालागढ़ व बद्दी के मलपुर में एफसीआई ने धान की खरीद शुरू कर दी है। पहले दो दिन में 460 क्विंटल धान की खरीदी हुई और पिछले वर्ष 32,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। पहले यह धान हिमाचल के साथ लगते हुए पंजाब के रोपड़, भरतगढ़, डेरवाल, हरियाणा के पंचकूला की अनाज मंडियों में किसान अपना धान बेचते थे, लेकिन पिछले दो सालों से पंजाब में हिमाचल के किसानों का धान लेना बंद कर दिया, जिससे किसानों को औने पौने दाम में इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जिस पर सरकार ने नालागढ़ की इंदिरा अनाज मंडी और बद्दी के मलपुर में धान की खरीद केंद्र खोले हैं। नालागढ़ में जहां पर 2203 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है, वहीं किसान ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एफसीआई की ओर से किसानों को धान का पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है। मैं मनमोहन सिंह कृषि विभाग नालागढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ ड्यूटी है यहाँ पे मंडी में, और पिछले सालों से इस साल बहुत बेहतर है, क्योंकि इस साल क्लाइमेट बहुत अच्छा, हार्वेस्टिंग टाइम बिल्कुल ड्राई है, जबकि पिछले साल इन दिनों में बरसात होती रही है, डिस्कलर होता रहा पैडी, और इस दफ़े बिल्कुल साफ और क्लीन है। सर यहाँ पे हमें तो एक तो हमें इतनी खुशी है कि हमारे यहाँ पे मंडी चालू हो गई दो तीन साल से। पहले हम जाते थे पंजाब में, धक्के खाते थे, यहाँ पे अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। सुबह 7 बजे आए थे, धान साफ हो गई है, तुल गई है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिए सर सर अपग्रेडेशन तो यही है भी, यहाँ पे खाने पीने की समस्या, सर ने पहले ही बोला, मेरे से पहले भी बोले हैं भाई जी भी, खाने पीने की दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम हरियाणा में डालने जाते थे, दो दो महीना पैसा नहीं आता था सर, यहाँ डालो चौथे या पांचवें दिन पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, सभी को फायदा है, ठीक है। और बाहर